आज है 1 अक्टूबर और आज से ही सरकार ने रोजमर्रा के कुछ नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें दुकानों में मिठाई की बिक्री से लेकर गाड़ियों के डॉक्यूमेंट तक शामिल है। तो क्या है सारे बदलाव, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़। 1 अक्टूबर से दुकानों में पुरानी मिठाइयों की बिक्री पर रोक लगने वाली है। 1 अक्टूबर से ही ड्राइविंग लाइसेंस और RC जैसे डॉक्यूमेंट रखना अनिवार्य नहीं होगा। 1 अक्टूबर से ही विदेश में पैसे भेजने पर TCS भी कटेंगे। 1 अक्टूबर से मोटर वाहन और उज्ज्वला योजना जैसे योजनाओं में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। 1 अक्टूबर से दुकानदारों को मिठाई की बिक्री पर उसकी समय सीमा भी बतानी पड़ेगी। ग्राहकों को मिठाई देते वक्त दुकानदारों को बताना पड़ेगा कि इन मिठाइयों का इस्तेमाल कितने समय तक करना सही होगा। FSSAI ने इस नियम को 1 अक्टूबर से दुकानदारों के लिए अनिवार्य कर दिया है। 1 अक्टूबर से आम जनता के लिए TV खरीदना भी थोड़ा महंगा हो सकता है। 32 इंच की TV का दाम 600 रुपए तक बढ़ सकते हैं और साथ ही 42 इंच की TV का दाम 1200 से 1500 रुपए तक बढ़ सकता है। 1 अक्टूबर से रसोई गैस भी सस्ती हो सकती है। आपको बता दें कि रसोई गैस कंपनी महीने की पहली तारीख को अपने रेट को रिवाइज करती है, जिसके तहत ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 1 अक्टूबर से रसोई गैस कुछ सस्ते हो सकते हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन संबंधित कुछ नियमों में बदलाव किए हैं, जिसमें वाहन के डॉक्यूमेंट जैसे लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किए जाएंगे। 1 अक्टूबर से आप अपने गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी दिखाकर अपने सारे काम करा सकते हैं। आपको अपने साथ गाड़ियों में डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी लेकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। 1 अक्टूबर से उज्ज्वला योजना के तहत भी कुछ बदलाव किए जा रहे हैं, जिसमें गैस सब्सिडी वाले सिलेंडर्स और कमर्शियल सिलेंडर्स के रेट को भी रिवाइज किया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस में भी कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। बीमा रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि IRDA के मुताबिक 1 अक्टूबर से सभी बीमा पॉलिसीज पर किफ़ायती दरों पर और भी ज़्यादा बीमारियों का कवर मिलेगा। इन सब के साथ ही 1 अक्टूबर से विदेश में पैसे भेजने पर TCS भी कटेगा। तो ये थी वो सारे बदलाव जो 1 अक्टूबर से सरकार करने वाली है। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे ताज़ा न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।